फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में जो कि आज हम करने वाले हैं। ये फ्रेंड्स देख सकते हो सीलिंग फैन का स्टार्टर है जो हमारे पास वाइंडिंग के लिए आया है। 12+12 का स्टार्टर है, आज हम इसको वाइंडिंग करने आपको दिखाने वाले हैं। एकदम स्पीड में वाइंडिंग करेंगे फ्रेंड्स, काफी अच्छी वाइंडिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल है फ्रेंड्स, देख सकते हो 12+12 का स्टार्टर है, ये भी बता दे रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्टार्टिंग कॉइल में जिसमें पैकिंग डालनी है फ्रेंड्स, देख सकते हो हमने कट करके रखी है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, में कटी कटाई भी पैकिंग आने लगी है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। हमने तो इसको कट करके रख लिया है। अभी क्या करेंगे, इसको इस तरह से कुछ डालेंगे, आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए ये स्टार्टिंग कॉइल में डाल रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हम क्या करेंगे, 12 मतलब जो हमारा 12+12 में 12 पैकिंग लगेगी, तो 12 पैकिंग कट करके रखी हुई है। अब इसमें हम 12 के 12 पैकिंग डाल लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, पैकिंग एकदम अच्छे से और साइज के हिसाब से आपको काटनी है। अगर आप कट कर रहे हो, अगर तैयार ले रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी आप देखिए, अभी इसमें क्या करेंगे, 12 में से हमारा सेमेंट लगा लेंगे अच्छे से एकदम। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो हमने इसमें पैकिंग डाल दी है 12 स्लोट में, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसको हमारे वाइंडिंग की तरफ ले चलते हैं, आपको बताते हैं इसमें कौन सा वायर यूज करेंगे और कौन सा डाटा यूज करेंगे। तो अभी आपको चलते हैं वाइंडिंग मशीन की तरफ, दिखाते हैं। ये रही हमारी वाइंडिंग मशीन। अभी इसमें सबसे पहले जो हमारा स्टार्टर है वो बिठाएंगे फ्रेंड्स। तो ये रही हमारा स्टार्टर, तो इसको कुछ इस तरह से बिठाना, आप देख लीजिए फ्रेंड्स। इजी बैठ जाता है वाइंडिंग मशीन अगर आप यूज कर रहे होगे, तो देखिए ये बैठ गया। और इसके अंदर जो फ्रेंड्स हमारी स्टार्टिंग कॉइल में जो हमारी वो लगने वाली है फ्रेंड्स डाई, वो आपको नंबर बता देता हूँ। 3 की स्टार्टिंग कॉइल में डाई लगेगी फ्रेंड्स, तो डाई फ्रेंड्स इसमें लगाना है हमको। तो जो पुरानी डाई है हमारी वो निकालते हैं, अब इसमें 3 की डाई लगाएंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये पूरी हमारी वाइंडिंग मशीन बिठाने से पहले फ्रेंड्स इसको एक बार आप सेट कर लीजिएगा इस तरह से डाई बिठाने से पहले, तो आपको ईजी रहेगा ये सब सेट करने में। इस तरह से कुछ आप ये सेटिंग कर सकते हो, देखिए आप पूरा इसमें दिया ही है फ्रेंड्स। अभी ये हमारी 3 की डाई लगाते हैं इसको इसमें, देखिए किस तरह से लगती है डाई, आपको दिखा देता हूँ। अब इसको बस इजी है, अब इसको लगा के टाइट कर देंगे। अब दोनों डाई इस तरह से हम लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो डाई है हमने एकदम अच्छे तरीके से बिठा लिया है। अब इसमें जो हम वायर यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स, 36 का वायर यूज करेंगे हम, बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। स्टार्टिंग कॉइल में 36 का वायर यूज करने वाले हैं, और इसका वाइंडिंग डाटा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग कॉइल में हम भरेंगे 350 फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। अभी इसमें 350 सेट कर लेते हैं हम, स्टार्टिंग कॉइल 350 12+12 में 36 का वायर। चलिए अभी आपको इसको दिखाते हैं किस तरह से अब इसको करते हैं आगे। देखिए आप, ये वायर जो है हमारा तार, उसको इस तरह से नीचे से निकालना है। वीडियो फ्रेंड्स पूरा एंड तक का देखिएगा, क्योंकि वाइंडिंग का काम है, पूरा देखोगे तो भी इसमें आपको थोड़ा समझ पड़ने वाला है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, 2K कम्प्लीट होने वाले हैं हमारे। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हमने इस तरह से कुछ फंसा लिया वायर, अभी आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमने वायर तो लगा दिया, पर सबसे जो मेन सेटिंग है वाइंडिंग करते हुए सब जो सबसे बड़ी गलती करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आप इधर गैप आपको दिख रहा होगा, देखिए हाथ से दिखा रहा है भाई, ये देखिए ये वाले जो गैप है फ्रेंड्स, एकदम राई के दाने जितना, मतलब हमारा वायर निकल सके उतना ही गैप होना चाहिए। इधर सेटिंग आती है दोनों तरफ ऊपर नीचे, देखिए आप इसको एकदम अच्छे से सेटिंग कर लेनी है। अगर आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, दिख जाता हो तो देखिए आप, ये यहाँ पे अगर जो वायर हमारा निकलता है, देखिए निकला ये एकदम, मतलब खाली वायर निकले उतना ही जगह आप रखिएगा नीचे ऊपर दोनों। ये देखिए नीचे से भी आता है वही सेटिंग, अगर आपको दिख रहा हो तो नीचे से भी वही, ऊपर से वही, सेम ये सेटिंग आप कर लीजिएगा। देखिए आप ये, अब हमारा ये हाथ से थोड़ा एक बार ऐसे घुमाएंगे, देखेंगे बस अभी करते हैं स्टार्ट मशीन। तो देखिए आप चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ कितने अच्छे से वाइंडिंग हो रही है हमारी। अगर आप अच्छे से बिठाओगे फ्रेंड्स पैकिंग वैकिंग पूरा, तो एक भी वायर आपका अटकने वाला नहीं है। देखिए फ्रेंड्स कितने कंप्लीट वाइंडिंग हो रही है, एकदम अच्छे से एकदम पूरा। इसी तरह से फ्रेंड्स पहले जो हम फॉरवर्ड कर चुके हैं, अब रिवर्स घूमेगा, आपको वो भी दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसको घुमाते हैं। देखिए आपको ये फ्रेंड्स इंडिकेटर है, अभी जो हमने आपको दिखाया यहाँ पे फॉरवर्ड हमने भर दिया इसमें, अभी अब जो रिवर्स का इंडिकेटर दिखा रहा था, अभी इसको जो हम रिवर्स दिखाने वाले दिखाते हैं आपको। ये सब फ्रेंड्स हमको बहुत काफी ध्यान देना पड़ता है रिवर्स फॉरवर्ड में। देखिए आप अभी ये किस तरह से अभी उल्टा घूमेगा, ये देखिए, अभी जब ऑन करूंगा तो अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहली कॉइल जो हमारी कम्प्लीट हो चुकी है, अभी ये स्टार्ट करेंगे मशीन हम। ये देखिए अभी ये रिवर्स घूम रहा है फ्रेंड्स, अगर आपको पूरा वीडियो दिखता हो तो इसमें देखिए आप कितने अच्छी तरीके से वाइंडिंग हो रही है फ्रेंड्स, आप ये चेक करिए एक बार खाली, कोई बिना वायर अटके एक भी वायर नहीं अटक रहा है। अभी आप देखिएगा यहाँ पे इंडिकेटर, देखिए आप 350 भरा और फॉरवर्ड इंडिकेटर हो गया, क्योंकि रिवर्स जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से जो पूरी हमारी कॉइल है वाइंडिंग करते जाएंगे, रिवर्स फॉरवर्ड
देखिए अभी ये पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हो आप, हमारा जो है खाली लास्ट कोइल बाकी है और कितनी अच्छी तरीके से वॉइडिंग हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अभी ये लास्ट कोइल वॉइडिंग हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए आप, एक भी वायर इधर उधर नहीं, एक भी कोई कुछ नहीं, इतनी फास्ट वॉइडिंग हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आप पैकिंग और ये सेटिंग अच्छे से किए हो तो बिना उसके अच्छे से नहीं होगा। पर देखिए आप, ये कंप्लीट हो चुका है हमारे वॉइडिंग लगभग लगभग, देखिए आप, ये पूरा वॉइडिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अभी इसको निकालते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, हमारा वॉइडिंग पूरा अच्छे तरीके से, एकदम पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। आपको निकाल के दिखाता हूँ फ्रेंड्स किस तरह से, उसी तरह से निकालना है जिस तरह से बिठाए हमने। ये देखिए अभी आप एक बार ये चेक करिए, कितने अच्छी तरीके से हमारा स्टार्टिंग वायरिंग जो है, स्टार्टिंग कोइल वॉइडिंग हो चुका है। चलते हैं अब इसमें पैकिंग डालते हैं, किस तरह से डालते हैं दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम जो इसके ऊपर से पैकिंग डालने वाले हैं, आप देख सकते हो ये भी हमने कट करके रखी हुए हैं और एकदम इसी साइज के जो हमारा स्टार्टर है उसी के साइज के हिसाब से ये पैकिंग काटनी है। देखिए आप, ये हमने 12 पैकिंग कट करके रखी हुई आपको दिखाया, जैसे बाद में अभी इसको किस तरह से डालना है आप देखिए। ये दोनों के बीच में फ्रेंड्स इस तरह से कुछ, अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए इस तरह से, और काफी संभल के डालना है कि हमारा एक भी वायर जो है टूटे उठे ना। देखिए कितने अच्छे तरीके से जा रहा है, अगर आप वॉइडिंग अच्छे से करे होगे तो एकदम अच्छे तरीके से जाएगा। ये देखिए आपको कुछ, ये छोटा सा एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से कुछ पुश कर लेना है इसको। देखिए आप ध्यान से देखिए, वीडियो पूरा एंड तक का देखिएगा फ्रेंड्स, सभी समझ पाएगा। और लाइक नहीं किया तो भी लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारा चैनल, क्योंकि तुम्हारे भाई का 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं बहुत ही जल्द। और आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा वायर है हमारा भी अटकता है, ऐसा नहीं हमारा नहीं अटकता है। बहुत से स्टार्टर में बहुत बार अटकता है, पर बहुत से स्टार्टर बहुत अच्छे होते हैं जिसमें वायर नहीं अटकता है, कंप्लीट होते हैं। तो आप ये मत देखिएगा कि इसमें वायर अटका नहीं उसमें अटका, जो अटकता है वो थोड़ा सेटिंग कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। आप ये देखिए अभी कितने अच्छे तरीके से पैकिंग इसी तरह से डालनी है हमको, सब में देखते जाइए। 2 पैकिंग हमने डाल लिया, ऐसे में 12 पैकिंग हमको कटिंग करनी है और 12 पैकिंग डालनी रहती है। देखिए आप इसको किस तरह से हम कर रहे हैं, देखिए ये व्हाइट वाली पैकिंग है, देखिए आप दोनों तरफ से इस तरह से कर देंगे तो क्या एकदम ईजी जाएगा और अटकेगा नहीं हमारा पैकिंग। देखिए आप इस तरह से, तो ये देखिए गई पैकिंग हमारी अटक के ये। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अब सब में पैकिंग डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए अभी हमारी जो है लास्ट पैकिंग बाकी है, अभी ये डाल दिए हमने, जो हमने 12-12 पैकिंग कट की थी 12-12 स्लॉट में डाल चुके हैं हम। अभी ये लास्ट पैकिंग बाकी है, आप देख सकते हो कुछ इसमें, और इस तरह से ही कुछ हमको पैकिंग डालनी है फ्रेंड्स। देखिए आप कितने अच्छी तरीके से पैकिंग डाली है हमने इसमें, और एक भी वायर जो है हमारा अटका नहीं है पैकिंग डालते समय भी। तो देखिए आप किस तरह से डाला जाता है, आपको ऐसे दिखाया हूँ, ईजी है, कोई उसमें ज़्यादा वो नहीं है। देखिए आप इसी तरह से हमको, ये देखिए तो अभी जो हमने डाल के पूरी 12-12 पैकिंग कंप्लीट कर दी है फ्रेंड्स। देखिए आप एकदम अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो हमने जो रनिंग कोइल में है उसमें भी हमने डाल दी है पैकिंग। आप देखिए फ्रेंड्स ये रनिंग कोइल में पैकिंग डाल के कंप्लीट कर दिए, उसी तरह से पैकिंग डालनी जिस तरह से हमने स्टार्टिंग कोइल में डाल दी। चलते हैं इसको मशीन की तरफ ले चलते हैं, ये रही हमारी मशीन, इसको उसी तरह से वापस से सेट कर लेंगे फ्रेंड्स जिस तरह से अगली बार हमने किया हुआ था इसको सेट। देखिए आप एकदम ईजी, अब इसका आपका डाई भी बताता हूँ इसमें कौन से नंबर की लगेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी हम जो डाई है वो चेंज कर देते हैं, इसमें डाई लगेगी 6 नंबर की फ्रेंड्स, जो कि पहले जो हमने लगाई थी वो 3 नंबर की लगाई थी, अभी इसमें लगेगी 6 नंबर की डाई फ्रेंड्स। अब वॉइडिंग डाटा भी आगे बताता हूँ अभी इसका फ्रेंड्स, रनिंग कोइल का वॉइडिंग डाटा बताऊंगा अभी। तब सबसे पहले जो है दोनों डाई इसको चेंज करते हैं, और इसमें लगेगा 6 नंबर की डाई। तो आप देखिए ये हमारा वॉइडिंग मशीन पूरा निश्याम NS049, ये मॉडल नंबर बता रहा हूँ मशीन का, आप देख सकते हो। चलो लगाते हैं इसमें डाई अभी, पहले इस तरह से कुछ जिस तरह से अगली बार सेट किया था उसी तरह से सेट करना है हमको, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है हमको इसमें। तो फ्रेंड्स ये हमारी डाई 6 नंबर की, देखिए कुछ इस तरह से इजी है, इसको बस इस तरह से बिठा के और यहाँ पे ये जो देख सकते हो फ्रेंड्स ये वाला, इसको टाइट करना है और कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो फ्रेंड्स ये गलत डाई लगा रहा था 3 ही नंबर फिर से लगा रहा था, अभी ये 6 नंबर थोड़ा छोटी साइज है, वही मैं इसको बता रहा, हमारा वॉइडिंग ऑपरेटर भी बहुत खतरनाक आदमी। अभी ये लगाया 6 नंबर का, देखो फ्रेंड्स बैठ गया अच्छे से एकदम, और ये 3 नंबर की डाई लगा रहा था पहले ही वाली, मैं बोला भाई 6 नंबर लगेगी, वॉइडिंग ऑपरेटर का भी दिमाग कहीं और है अभी। तो देखो फ्रेंड्स अभी कंप्लीट लग चुका है ये हमारी डाई, देखिए आप इस तरह से लगनी चाहिए, और इसको सेटिंग बार बार हमको करते रहना पड़ेगा ये वाला, ये दोनों साइड का जो आपको दिखाया हूँ। देखिए आप अभी आपको दिखाते हैं वॉइडिंग करके भी इसकी, और इसका वॉइडिंग डाटा खास अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो देखो फ्रेंड्स एकदम अच्छी तरीके से इसको सेट वेट कर लिया है, देखिए आप इस तरह से ये जो है आपको ये दिखाया था मैंने, ये नीचे और इधर भी है नीचे ये स्क्रू,
ये दोनों आपको एकदम अच्छी तरीके से सेट करना रहता है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसमें खाली वायर निकल जाए, ये गैप में आपको दिख रहा होगा, तो ये वाले गैप में देखिए आप वायर निकल जाए उतना ही जगह रहना चाहिए फ्रेंड्स। चलो अभी ये तो काम कंप्लीट हो गया है। वाइंडिंग डाटा आपको बता देता हूं, रनिंग कॉइल का 390, स्टार्टिंग कॉइल में हमने 350 भरा था, अब रनिंग कॉइल में 390 बनने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि 36 नंबर का वायर है, फिर से आपको बता देता हूं। तो चलते हैं अब इसको स्टार्ट करते हैं वाइंडिंग करना। तो सबसे पहले जो हमने डाइवाइस सेट कर लिया वायर जो इसका कॉपर का यहाँ हमने अटकाया था वो निकालते हैं उसमें फिर अटकाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये वायर लगा दिए हमने यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। अब चलते हैं वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हम इसको पहले हाथ से एक बार इसे आप भी एक बार इसे फॉरवर्ड के साइड घूम रहा है अभी देखिए आप एक बार इसी तरह से आप भी हाथ से करिएगा उसके बाद करिएगा, देख लीजिएगा कहीं वायर अटक उटक तो नहीं रहा है। अभी कम्प्लीटली हमारा चल रहा है एकदम। अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिए मशीन ये स्टार्ट हो गई और कितने अच्छी तरीके से वाइंडिंग हो रहा है आप देखिए, एक भी वायर अटकेगा नहीं क्योंकि एकदम परफेक्ट पैकिंग काटे रहोगे ना तो आपका भी वायर नहीं अटकने वाला है। देखिए कितने अच्छी तरीके से वाइंडिंग हो रहा है, आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, कोई इसमें कट वट भी नहीं है। आप देखिए कितना जबरदस्त वाइंडिंग हो रहा है, देखो ये हो गया 390 भरा है फ्रेंड्स, आपको बताया जैसे आगे 36 नंबर के वायर के साथ रनिंग कोइल के अंदर। देखिए फ्रेंड्स अब इसको हमको रिवर्स घुमाना है इस तरह से कुछ, देखिए स्टार्ट करते हैं मशीन, ये स्टार्ट हो गई। अगर यहाँ की सेटिंग आपकी बराबर रहेगी नीचे ऊपर से तो एकदम परफेक्ट आपकी वाइंडिंग होने वाली फ्रेंड्स। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और तुम्हारे भाई के भी अब 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ऐसी वीडियो आती रहेगी हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसी तरह से हम पूरा जो है वाइंडिंग कर लेंगे। देखिए दो कॉइल तो हमने कर लिए, 10 और बाकी है, फटाफट वाइंडिंग हो जाता है फ्रेंड्स अगर आपकी स्पीड आ जाती है तो करते हैं वाइंडिंग फिर दिखाते हैं आपको। अब हमारी जो है एकदम लास्ट कॉइल बाकी है, देखिए फ्रेंड्स ये पूरी वाइंडिंग हमने किया, एक भी वायर नहीं अटका है फ्रेंड्स। अगर वीडियो बहुत लंबी बन जाती नहीं तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता, एक भी कट नहीं करता, पर इतना लंबी वीडियो बन जाती है इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। बाकी एक भी वायर नहीं अटका है क्योंकि एकदम अच्छी तरीके से हमने पैकिंग और सेटिंग की हुई है। देखिए अब ये लास्ट कॉइल वाइंडिंग हो रही है, ये देख लीजिए हाथ वाथ सब हटा दिया है वाइंडिंग पर से, पर एक भी वायर अटक नहीं रहा है। देखिए आप एकदम अच्छी तरीके से जो है वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी आपको निकालता हूँ दिखाता हूँ। तो देखिए आप किस तरह से पूरी वाइंडिंग जो है हमारी स्टार्टर, देखिए आप निकालता हूँ दिखाता हूँ, चलो निकालो भाई इसको फटाफट। और एकदम अच्छी तरीके से फ्रेंड्स वाइंडिंग हुई है, दिखाते हैं अभी आपको, देखिए इसी तरह से इसको, ये देखिए आप ये स्लाइडर आता है इसको, अभी आप ये देखिए एक बार वाइंडिंग चेक करिए कितनी अच्छी तरीके से हुआ है। अब इसमें पैकिंग डालते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग कॉइल में डाली थी, अभी उसे रनिंग कॉइल में भी पैकिंग डालते हैं। चलते हैं काउंटर की तरफ और दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स अभी आपको उसी तरह से पैकिंग डालना है जिस तरह से हमने स्टार्टिंग कॉइल में डाली थी फ्रेंड्स, एकदम इजी आपको दिखाया था स्टार्टिंग कॉइल में, इसी तरह से देखिए आप हम रनिंग कॉइल में भी डाल रहे हैं। और खाली ध्यान ये देना है कि हमारा कोई वायर अटके नहीं और टूटे नहीं, नहीं तो फ्रेंड्स दिक्कत हो जाएगी। तो अभी ये देखिए कितने अच्छी तरीके से इसमें भी पैकिंग डाल रहे हैं हम, सब इसी तरह से हम पैकिंग डाल के कम्प्लीट कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से पैकिंग डाल चुके हैं अभी इसके अंदर, अभी एक ही डाला है, इसी तरह से हम इसको सेट करते करते पूरे में पैकिंग डाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। आप देखिए ये वाइंडिंग का काम हमारा एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है, देखिए कितने अच्छे तरीके से वाइंडिंग हुआ है, आपको वाइंडिंग डाटा भी बता दिया कौन सा क्या लगेगा सब बता दिया हूँ। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से वाइंडिंग हुआ है पूरी कम्प्लीट। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने आपको दिखा दिया हमारा जो वाइंडिंग का काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आपको कनेक्शन अगर देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में तो है ही कनेक्शन का, आप देख सकते हो जाके इसका कनेक्शन किस तरह से करना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी इसलिए आपको नहीं बताया, पर आप वाइंडिंग देखो एकदम अच्छे से कम्प्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।